IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू फर्स्ट चैप्टर, दिस इज भरत कुमार महावर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि SFD BMD क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं। ओके, SFD BMD लोग बना तो लेते हैं कि SFD BMD बना दिए डायग्राम, ये डायग्राम बना के पटक दिए, ठीक है। समझ तो आ ही नहीं रहा कि SFD BMD बना क्यों रहे हैं, क्यों होती है SFD BMD, किस चीज़ की होती है। देखो, SFD BMD क्या होती है, जैसे मान लो ये आपका RCC या फिर कोई बीम है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी लोड पड़ा हुआ है, डेड लोड, ठीक है, वो उसके ऊपर पड़ा हुआ ही है, ठीक है। जैसे मान लो आपने इसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी पड़ा हुआ है, किसी काम से डेड लोड है, वो उसके ऊपर पड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो इस लोड के पड़े होने के कारण इस पोजीशन पर उसका कितना फोर्स आएगा, कितना मोमेंट आएगा। अगर यहाँ पर आप फोर्स निकालोगे तो वो शेयर फोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना मोमेंट आएगा वो निकालोगे तो आपका मोमेंट हो गया। ओके, इस पॉइंट पर क्या आएगा, इसके कारण। ओके, इस पॉइंट पर क्या आएगा, इसके पॉइंट पर क्या आएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो लोड है, डेड लोड है, उसके कारण हमारे बीम के अलग अलग पॉइंट्स पर क्या क्या फोर्सेज आएंगे, क्या क्या मोमेंट आएंगे, वो हमारा है ना, वो पता लग गया क्या क्या आएंगे। तो उसके हिसाब से जैसे पॉजिटिव आए तो हम पॉजिटिव ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देंगे, फिर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव कर देंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, और उन पॉइंट्स को मिलाना विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है, किस किस तरीके से मिलाना, वो हमारा SFD BMD होता है। और इसी तरीके से एक और होता है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ILD, वो भी इसी तरीके का होता है। वो क्या होता है कि ये हमारी कोई बीम है, इसके ऊपर लाइव लोड लग रहा है कोई, ठीक है। लाइव लोड मतलब चलता हुआ लोड, इसके ऊपर जैसे आप चल रहे हो उसके बीम के ऊपर, तो आपके चलने पर एक पोजीशन पर, इस पोजीशन आप यहाँ हो तो इस पोजीशन पर लोड कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ आ गए चलते चलते, तो फिर इस पोजीशन पर कितना होगा, फिर चलते चलते यहाँ आ गए इस पोजीशन पर लोड कितना होगा, फिर चलते चलते यहाँ आ गए इस पोजीशन पर कितना होगा, समझ आ रहा है। तो ILD तो हम लाइव लोड के कारण बनाते हैं, लाइव लोड मतलब उसके ऊपर लोड हमारा घूम रहा है उस बीम के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर, और एक ही पोजीशन पर हम हमारे लोड निकालते हैं कि उस पोजीशन पर कितना होगा लाइव लोड के कारण। और BMD क्या होती है, BMD होती है कि आपका लोड तो एक ही जगह पर पड़ा है और आप अलग अलग पोजीशंस पर आपका फोर्स निकाल रहे हो, वो आपका BMD होता है, SFD BMD होता है। ओके, फोर्स निकाल रहे हो तो SFD हो गया डायग्राम, ठीक है। अलग अलग डायग्राम मतलब यहाँ पर आपने निकाला तो आपका ऑर्डिनेट आ गया, तो मान लो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया इतना, तो इनको मिला दिए तो एक तरीके से डायग्राम बन गया, तो शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ये डायग्राम मतलब चित्र बन गया। और अगर मोमेंट्स का कर दोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, बेंडिंग मोमेंट का चित्र हो गया, वही SFD BMD है। ओके, शियर फोर्स की देख लो, शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स पेड़ पढ़ लो, शियर फोर्स इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट एनी सेक्शन टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम इनटू फोर्स्ड इक्विलिब्रियम आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन इन ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डायरेक्शन। ओके, इनको पढ़ लो, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो भी मैं समझाऊंगा उसको समझ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, कहीं लिखने के लिए आ जाए तो इनको लिख देना, ऐसे कैसे रट लेना, समझो आप, तो कंसेप्ट समझो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द समिशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। मतलब क्या कह रहा है, जैसे ये आपका कोई बीम है, इस पर आपने कोई सेक्शन मान लिया, तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप सीधा सीधा इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में सारे फोर्सेज का सम कर दो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, या फिर राइट साइड के फोर्सेज का सम कर दो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब इस डायरेक्शन वाले, ऐसे इस डायरेक्शन वाले, ऐसा नहीं है कि आप इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन वाले कर रहे हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर नीचे फोर्स लगने वाले को आप जीरो कर दो, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, इस साइड में करोगे और इस साइड में करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, वही आपका शियर फोर्स होता है। ओके, जैसे देखो ये आपका बीम है, ठीक है, इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है पी, मिड में, L2 पर मिड में लग रहा है, ठीक है। ये कोई आपका हिंज होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पर मिड में पी लग रहा है,
तो यहाँ पर एक आपका आ गया लोड पी बाई टू, और यहाँ से अपोज करेगा ये पी बाई टू। ये कैसे आया मैं बता दूंगा बाद में, अभी आप इसको ध्यान रखो कि ये पी बाई टू होता है, रट लो इसको, बता दूंगा। लेकिन मैं जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, जो सीट का पहला क्वेश्चन है वो हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है। अभी ये साइन समझ रहे हैं हम कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ से एक सेक्शन काटा तो इस तरीके से बन गया, आधा पार्ट तो ये रहा और आधा इधर का पार्ट ये इधर आ गया, ओके। तो इधर से काटा हमने तो पी बाई टू यहाँ लग गया, तो ये ऊपर पी बाई टू लग रहा है, तो इसको अपोज करेगी कोई कोई फोर्स, वो हमारा शेयर फोर्स होता है एस एक्स। और देखो यहाँ पर पी बाई टू ऊपर लग रहा है, ओके, यहाँ पी नीचे लग रहा है, तो यहाँ भी एक फोर्स लग जाएगा। साइन की टेंशन मतलब साइन किसी भी साइड लग सकता है आपका, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड के इधर करो, पी बाई टू ऊपर लग रहा है, एस एक्स नीचे लग रहा है, तो एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, सीधी सीधी आपकी शेयर फोर्स की पी बाई टू हो गई। अब चाहे इस साइड कर लो, राइट साइड करके देख लो आप, पी बाई टू माइनस पी प्लस एस, यहाँ से पी बाई टू आएगा, पी में से पी बाई टू चले जाएगा तो पी बाई टू आ जाएगा। साइन के आपने मत कुछ ध्यान मत रखो कि आप, अगर आप साइन आपका एस एक्स का नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपने जो साइन बनाया वो नेगेटिव है। साइन का आप ज़्यादा वो मत रखो, कोई सा भी ले सकते हो, ओके। अब आपको ध्यान रखनी है बात, ओके, आपका जो भी शियर फोर्स होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। अगर आपका सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, और सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड है तो भी पॉजिटिव होगा, और सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड है और राइट में अपवर्ड है तो नेगेटिव होगा। ये साइन आप रट लो, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से आप खुद एनालाइज करना, मैं बता रहा हूँ उससे आपको समझ इतना नहीं आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहीं भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट खुद नहीं समझ, मतलब जो बोलता है कोई भी टीचर या कुछ भी कोई भी, उसका साइन कन्वेंशन कभी भी उसके समझ नहीं आएगा, वो खुद एनालाइज करेगा तो ही साइन कन्वेंशन समझ आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ वो आपके समझ भी आ गया तो आगे जाके एक दो क्वेश्चंस के बाद आप कन्फ्यूज होने लग जाओगे साइंस में। तो आप खुद सोचो, देखो शियर फोर्स का साइन इस तरीके से होता है, और क्या, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव रहेगा। देखो दो तरीके बता दिए मैंने, या तो आप ऐसे मान लो कि सेक्शन के लेफ्ट में रहेगा तो ऐसे, राइट में रहेगा तो ऐसे, लेकिन रहेगा ये, ठीक है। इसको रट लो आप, साइन कन्वेंशन ये रहेगा शियर फोर्स के लिए, ओके। उसके बाद में आती है बेंडिंग मोमेंट, वही बेंडिंग मोमेंट भी वही है, कोई भी सेक्शन मान लो, सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे मोमेंट जीरो कर दो और राइट साइड के सारे मोमेंट जीरो कर दो, वो जीरो होते हैं, वो लेफ्ट साइड का समीशन और या फिर राइट साइड का समीशन कर दो, वही आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा ये आपके समझ आता है, बेंडिंग मोमेंट देखो कैसे निकालते हैं, ये आपका कोई बीम है, यहाँ पर आप पी फोर्स लगा रहे हो कुछ भी, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस कोई एल है, तो यहाँ पर मोमेंट बताओ, इस पी के कारण यहाँ मोमेंट कितना होगा। आप सीधे सीधे कैसे बताओगे कि ये पी आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर निकालना है वहाँ तक, तो ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एल, तो यहाँ पर पी एल आपका मोमेंट हो गया। अब देखो ये पी, ये इस साइड इस बीम को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ओके, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक अपोजिंग मोमेंट लगेगा, यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में तो लगेगा नहीं क्योंकि ये इसको घुमा रहा है और ये इसको और घुमा देगा, ऐसे थोड़ी लगता है, ये इसको घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपका अपोजिंग मोमेंट लग जाएगा एक इस डायरेक्शन में, ये आपका पी एल है, यहाँ पर मोमेंट लगेगा इस पी के कारण, ठीक है, मोमेंट इस तरीके से निकालते हैं, ओके। वैसा ही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दिया शियर फोर्स की जगह, आप इसको देखो एनालाइज करो, ये डेफिनेशन आप पढ़ लो खुद से, इसी तरीके से ये भी आप खुद से पढ़ लो, वही चीज़ बोल रहा है, देखो ये तो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है, द बेंडिंग मोमेंट इन एनी सेक्शन इज द समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइडर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, ओके। अगर ये समझ नहीं आ रहे हैं ना आपके तो कोई बात नहीं, एक दो बार देखोगे इसके साथ फेमिलियर होगे जब भी समझ आएगा ये, ठीक है, मेरे भी तो समझ आ गया, अगर मेरे समझ आ रहा है तो आपके भी समझ आएगा 100%। आप एक दो बार देखो, सोचो थोड़ा, जो नोट्स दिख रहे हैं उसको लिख लो आपकी हैंड राइटिंग में, कॉपी में, उसके बाद में वापस एक बार देखो, समझ जरूर आएगा, ओके। अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो इसका साइन इस तरीके से होता है, अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में आपका बीम ऐसे मोमेंट इस तरीके से लग रहा है क्लॉकवाइज में, मतलब बीम को इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव, राइट साइड में उठाने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा आपका सेगिंग, ओके। और अगर लेफ्ट साइड में ये बीम को ऐसे नीचे पटकने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से तो नेगेटिव, और राइट साइड में नीचे पटकने की कोशिश कर रहा है तो नेगेटिव, एक तरह का हमारे पास ये भी होता है,
ठीक है। या तो आप ऐसे रख लो कि अगर आपको बीम को ऊपर उठाएगा कोई भी मोमेंट, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो यहाँ से ऊपर उठा रहा है, यहाँ से ऊपर उठा, पॉजिटिव, यहाँ से नीचे पटक रहा है, यहाँ से नीचे पटक रहा है तो नेगेटिव। अलग तरीके से देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट मे बी एक्सप्लेन्ड एज इफ द रेफरेंस फेस गेट्स कंप्रेस्ड। अगर उसका रेफरेंस फेस कंप्रेस हो तो वो पॉजिटिव, अगर रेफरेंस फेस टेंशन में आ जाए तो वो नेगेटिव होगा हमारा। ओके, देखो अभी इससे समझा दूंगा कि किस किस तरीके से बोल रहा है। अब आपके मन में बात आती है कि रेफरेंस फेस हम ले कौन सा, ठीक है, तो रेफरेंस फेस हमें लेना पड़ेगा, रेफरेंस फेस इज दैट फेस ऑन विच द लोड इज़ अप्लाइड, जिसके ऊपर लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपको रेफरेंस फेस लेना पड़ेगा। ओके, जैसे ये है लोड यहाँ लग रहा है, ठीक है, इस फेस पर लग रहा है तो ये आपका रेफरेंस फेस हो गया, यहाँ देखो आपका लोड यहाँ लग रहा है तो ये रेफरेंस फेस हो गया आपका, इस तरीके से। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा था, रेफरेंस फेस शुड बी कंटिन्यूस फॉर होल स्पान। दूसरी बात, अगर आपने रेफरेंस फेस इसको ले लिया, ठीक है, ये आपका रेफरेंस, तो कंप्लीट स्पान के लिए रेफरेंस फेस आपको वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक तो आपने ये ले लिया, यहाँ से इसके लिए आपने ये रेफरेंस फेस लेके बैठे हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो देख लो यहाँ पर, यहाँ ये रेफरेंस फेस ये इस कर रहा है तो ये बीम इस तरीके से कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये कंप्रेशन में आ गया, ये कंप्रेशन में आएगा तो सीधा सीधा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारा। इसकी बात करो, रेफरेंस फेस ये हो गया, इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये टेंशन में आ गया, टेंशन आ गया तो नेगेटिव हो गया। इसकी बात करो, यहाँ से आएगा ये पूरा टेंशन पार्ट, ये यहाँ से नीचे पड़कने की कोशिश करेगा, रेफरेंस फेस ये हो गया तो ये टेंशन में आएगा तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब बात आती है रिलेशन की, इनमें अलग अलग अब बात आती है रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट। ये आप अच्छे से समझो, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह हम सीधा सीधा पूछ लेता है इसमें कि देखो ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब हर एक पॉइंट पर लोड आपका सेम है, पर मीटर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन काट के यहाँ रख लिया रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, छोटा सेक्शन काट लिया और अज्यूम क्या किया हमने कि इस पर जितने भी मोमेंट और शियर फोर्स लग रहे हैं वो पॉजिटिव हैं हमारे, ये अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, ये सेक्शन काट लिया डी एक्स का। तो अगर यहाँ पर कोई मोमेंट लग रहा है एम, तो कुछ डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में एम प्लस डी एम लगेगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ से भी बीम को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से बीम को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव हो गए, एक्स डिस्टेंस के बाद में डी एम हो गया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर है आपका तो पॉजिटिव शियर फोर्स हो गया, किसी एक्स डी एक्स डिस्टेंस के बाद में एस प्लस डी एक्स शियर स्ट्रेस हो जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा डी एस, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसमें दो तीन चीज़ें आपको करनी पड़ती है, इसमें समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बराबर जीरो, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर जीरो, समीशन ऑफ मोमेंट बराबर जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इसमें है नहीं, इसको छोड़ दो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बराबर जीरो कर दो, समीशन ऑफ मोमेंट बराबर जीरो कर दो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो करेंगे। तो देखो अब ये शियर फोर्स हम कर लिया, अब ये लोड की तरह बिहेव करेंगे, हमारे पास अपवार्ड लग रहा है एस प्लस एस, डाउनवार्ड लग रहा है इसको तो इसको नेगेटिव लो, तो माइनस एस माइनस डी एस हो जाएगा, माइनस एस माइनस डी एस। उसके बाद में देखो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ये भी नेगेटिव में लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये लोड है वो नीचे ही तो पटकने की कोशिश करे बीम को, डाउनवार्ड हो गया तो डब्ल्यू एक्स। आपके पास सीधा सीधा क्या आ गया, माइनस डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, रट लो इसको, बिल्कुल ध्यान रखो ये जाने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, मैं चार फॉर्मूले बताऊंगा, चार फॉर्मूले इसकी जाने इसके अलावा आपके कुछ यूज़ ही नहीं होएगा, शॉर्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करोगे तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। वो क्या है कि नेगेटिव स्लोप शियर फोर्स डायग्राम, नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, ठीक है, एट दैट सेक्शन, किसी भी सेक्शन पर अगर नेगेटिव स्लोप आप लोगे तो उसी पोजीशन पर वो आपकी इंटेंसिटी के बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर। ओके, इसी तरीके से अगर आप मोमेंट की बात करो, ओके, इस तरीके से आप मोमेंट की बात करो तो वह भी आपका इस तरीके से ही हो जाएगा। किसी भी सेक्शन के अबाउट मोमेंट ले लो आप,
मान लिया हमने इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लिया, ठीक है, तो एम ओके, उसके बाद में एम प्लस डी एम, लेकिन ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के लिए ये तो इसको ऊपर उठा रहा है, लेकिन इस लेफ्ट साइड के लिए तो ये इसको नीचे पटक रहा है इस साइड। देखो ये समझने की मैं बोला था, खुद ही समझने की कोशिश करेगी करना पड़ेगा। देखो इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन मान लो इमेजिनरी, यहाँ पर कोई हमारा क्या होता, बीम होता, तो ये बीम को तो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी सेक्शन के लिए ये इस तरीके से घूम रहा है, तो इस सेक्शन के लिए यहाँ घूमेगा इस तरीके से, यहाँ आके यहाँ घूमेगा, तो नीचे पटकने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। तो कैसे करोगे आप, एम माइनस डी एम प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पर ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर कोई बीम है, ठीक है, ये यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, यहाँ पर पिन कनेक्टेड है तो इस तरीके से घूमेगा इसके कारण, ठीक है, इस तरीके से घूमेगा, तो ये वापस ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो सीधा सीधा ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा, तो एस प्लस डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पर, ये फोर्स हो गया मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गई आपकी डी एक्स। ओके, फिर हमारे पास लोड कौन सा रह गया, ये रह गया डब्लू, डब्लू इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई मिड में लगता है ये, इंटू डी एक्स बाई टू, डब्लू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, बस वही चीज़ यहाँ करनी है आपको। और जब इसको सेकेंड ऑर्डर को आप जीरो कर देना, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे, इसे डी एस डी एक्स कोई मायने नहीं रखता ये, तो जीरो कर दो इनको, बची हमारे पास ये रिलेशन, इसके हेल्प से ये आ गया हमारे पास डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखो, ये क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ओके, डी एम बाई डी एक्स बराबर जीरो, दो चीज़ें आपकी हो गई। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो यहाँ से, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्लू डी एक्स, ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा एस टू माइनस एस वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डब्लू डी एक्स। मतलब किसी भी पोजीशन पर आप अगर शियर फोर्स का डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका वहाँ पर एरिया के बराबर होगा। ओके, फॉर्मूला आप ध्यान रखो, अभी समझ आ जाएगा धीरे धीरे। इसी तरीके से आप इसको भी करोगे तो एम टू माइनस एम वन इजिक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस डी एक्स आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूले हुए आपके पास चारों, ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद कर लो। पहला तो आपके पास क्या निकल के आया था, जो इंटेंसिटी है डब्लू इजिक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक, जो क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन मैंने बता दिया किस तरीके से होता है। ओके, और ये क्या, ओके देखो एक यहाँ पर ध्यान रखो आप, जो ये V है इसको आप V, ये देखो शियर फोर्स में कभी V लिख देता हूँ कभी S लिख देता हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये V है ना वो S है आपका। ओके, S देखो V बराबर S मानता हूँ मैं, ठीक है, V मतलब भी आप, मैं शियर फोर्स और S मतलब शियर फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये शियर फोर्स का यहाँ V लिख रखा हूँ मैं, ठीक है, ये डी एस बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ओके, तो W आपका क्या हो गया, डी एस अपॉन डी एक्स, या फिर डी वी बाई डी एक्स, या फिर डी एम इज इक्वल्स टू, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मैं यहाँ या तो V ले लूँगा या फिर S ले लूँगा, मैं कुछ भी ले लूँगा, आप ध्यान रखना उसको, V और S का मतलब शियर फोर्स। ओके, तो W इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स और V इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स, ये नेगेटिव साथ होता है, ये पॉजिटिव साथ होता है, तो इसकी हेल्प से अगर इसको निकालोगे आप, तो मोमेंट का डिफरेंस एम बी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। ओके, वी मतलब शियर फोर्स डायग्राम होगा, उसको उसका इसके बीच में जो भी एरिया होगा वो आपका बराबर होगा। ओके, ऐसे ही वी बी माइनस वी ए करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स मतलब एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। चार फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये ही जान है इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एस एफ डी बी एम डी की। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, दो डेरिवेशन और है, वो मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप सीधे सुन लो। अगर देखो आपके लोडिंग के अंदर कुछ पॉइंट लोड लग रहा है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे, वहाँ पर आपका शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हो, वहाँ पर जैसे पी लोड लग रहा है, तो यहाँ पर सडन डाउन चले जाएगा वो पी लोड, इस
इसके कारण वो कैसे चले जाएगा, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आप सीधा ध्यान रखना है इसको। अगर यहाँ पर अपवार्ड कोई लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका पी से ऊपर उठ जाएगा सडन। ओके, इस तरीके से अगर आपका कोई कहीं पर कुछ क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है तो आपका बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर उस मोमेंट से नीचे चले जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो उस मोमेंट से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। समझा दिया। अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहो तो डेफिनेशन सुन लो, वो क्या है, डाउनवर्ड एक्टिंग पॉइंट लोड विल लीड टू सडन ड्रॉप इन शियर फोर्स डायग्राम, आल्सो अपवर्ड एक्टिंग पॉइंट लोड विल लीड टू सडन जंप इन शियर फोर्स डायग्राम। समझ आ गया। बेंडिंग मोमेंट के लिए सुनना चाहो तो वो सुन लो, वो क्या है, क्लॉकवाइज कंसंट्रेटेड कपल विल लीड टू सडन जंप इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई एन अमाउंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेटेड कपल, एंटी क्लॉकवाइज कंसंट्रेटेड कपल विल लीड टू सडन ड्रॉप इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो मैंने चार पांच चीज़ें बता दी आपको, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है पहली बार में समझ आए, कोई भी धुरंधर नहीं है जो पहली बार में सब कुछ समझ लेगा। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखो आप, नोट है। ये कैसे आए वो अभी जब शॉर्टकट बताऊंगा तो मैं बता दूंगा उसको। ओके, तो ये आप सीधा ध्यान रखो। इससे पहले मेरे दो लेक्चर और है बेसिक में शॉर्टकट बताने की, उनको मैं वापस से एक बार बताऊंगा, क्योंकि उसमें ये ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं था तो शायद अच्छे से समझ नहीं आए, तो उन दोनों लेक्चर्स को मैं वापस से रिपीट कर दूंगा बीच में कहीं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आपका पॉइंट लोड लगेगा, ठीक है, पॉइंट लोड के कारण आपका शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर होगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रेंगुलर होगा। रट लो इसको। ठीक है, आपका UDL आ रहा है, UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए आपका शियर फोर्स डायग्राम ट्रेंगुलर होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा सेकेंड डिग्री का। ओके, UVL की बात हो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के, तो उसके लिए आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा पैराबोलिक 2 डिग्री का और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा क्यूबिक 3 डिग्री का। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ द शियर फोर्स चेंज इट्स साइन एट अ पॉइंट देन बेंडिंग मोमेंट विल मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपका शियर फोर्स अगर कहीं पर साइन चेंज कर, ठीक है, आपका शियर फोर्स यहाँ इस तरीके से ये यहाँ पर साइन चेंज कर लिया, तो जहाँ पर आपका शियर फोर्स साइन चेंज करेगा उस जगह पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछता है आपको, ऐसे भी शियर फोर्स डायग्राम दे देगा आपको और बोलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखो कहाँ पर आपका साइन चेंज हो रहा है शियर फोर्स डायग्राम का, वहीं पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द बेंडिंग मोमेंट चेंज इट साइन, और अगर बेंडिंग मोमेंट खुद का साइन चेंज कर ले किसी पॉइंट पर एट अ पॉइंट देन कर्वेचर विल ऑल्सो चेंज इट साइन। अच्छा, ये बोल रहा है अगर बेंडिंग मोमेंट कहीं पर खुद का साइन चेंज करेगा तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो भी आपका साइन चेंज कर लेगा, ठीक है, जैसे ये साइन चेंज कर लिया बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट सच दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और अगली बात ये क्या बोल रहा है कि अगर बेंडिंग मोमेंट आपका साइन, देखो शियर फोर्स अगर साइन चेंज करेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और ये क्या बोल रहा है कि आपका जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर लेगा इस तरीके से साइन चेंज कर लिया तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर। ओके, और अगर आपका साइन चेंज ना करके कर्वेचर चेंज कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, कर्वेचर चेंज हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ तो ये ऊपर उठ रहा था इस तरीके से और यहाँ पर ये नीचे आ गया, तो कर्वेचर चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जहाँ पर साइन चेंज करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर, और जहाँ पर कर्वेचर चेंज होगा वहाँ उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ये तो कॉनकेव था फिर ये कॉन्वेक्स हो गया यहाँ से। ओके, उसके बाद में है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। ओके, तो इन इस लेक्चर को देखो वापस से। ओके, ये किस क्यों आ रहे हैं, ये पॉइंट लोड आने पर ये यूनिफॉर्म क्यों आ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर और बेंडिंग मोमेंट ट्रेंगुलर क्यों आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम सीट का पहला क्वेश्चन और पहला कंसेप्ट है वो समझेंगे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर को वापस देखो, समझने की कोशिश करो क्या है क्या नहीं है, जो भी दिख रहा है उसको आप आपकी कॉपी में लिख लो आपके हैंड राइटिंग में और उसको समझने की कोशिश करो, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझना चाहते हो तो, नहीं तो अगर मेरे लेक्चर सुन सुन के बस ऐसे
कुछ करना चाहते हो, ठीक है, समझ नहीं आया, कमेंट करना चाहते हो फालतू के, तो वो आप करते रहो, लेकिन आप खुद का दिमाग लगाओगे तो ही। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ तो मटेरियल सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद का दिमाग जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।